हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी वीकली सीरीज नेक्स्ट वीक बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अगले वीक के बाजार की, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं FIDI के डाटा की। तो अगर जनवरी से लेकर अप्रैल तक अभी तक देखते हैं तो FII की सेलिंग ही कंटिन्यू थी, जो कि मई के महीने में भी कंटिन्यू ही रही है। अगर हम साइट पर देखें NSE की, तो अभी तक 12,600 करोड़ की खरीदारी दिखा रहा है वो, लेकिन उसमें एक GSK और HUL का, जैसा हमने लास्ट वीक भी आपको बताया था, एक GSK और HUL का एक ट्रांजेक्शन था 28,000 करोड़ का, जिसका इंपैक्ट उसमें नहीं है। तो जिसकी वजह से अगर हम देखें तो फिर भी FII की अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग इस महीने में हो चुकी है। हालांकि इसके उलट DII ने अभी तक 1900 करोड़ से ज्यादा की बाइंग की है कैश सेगमेंट में। तो देखना होगा कि ये FII की सेलिंग कंटिन्यू रहती है या नहीं। निफ्टी की बात करें तो इस वीक में निफ्टी में कमजोरी ही देखी गई। निफ्टी मंडे ओपन हुआ था 9348 पर, और उसके बाद हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज एक अनाउंस किया था, तो जिसकी वजह से मार्केट ने एक डे हाई लगाया था 9584 का, लेकिन उसके बाद उसको होल्ड नहीं कर पाया और निफ्टी ने 9050 का सपोर्ट लिया ड्यूरिंग द वीक, और फाइनली निफ्टी ने फ्राइडे को 9136 पर क्लोजिंग दी। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीक ही बोला था कि 9600 से 9000 की मेजर रेंज रहनी चाहिए, तो लगभग इस वीक में वही रेंज रही है, और 9550-9600 के आसपास पिकवाली और 9100-9000 के आसपास सपोर्ट का काम किया है। तो ये अब नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक में हमें लगता है कि ब्रॉड रेंज 9500 से 8800 की रह सकती है। अब मैं 8800 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं डाटा पॉइंट मेरे को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद एक वीकनेस मार्केट में आ सकती है, और ये इसीलिए 9500 का जो लेवल होगा वो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यानी 9500 से 9450 का जो लेवल होगा वहां पे एक बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। जब तक वो लेवल नहीं टूटेंगे ऊपर के लेवल हम नहीं देख पाएंगे, और नीचे में हालांकि 9000 और 9050 का जो एक स्तर है वो एक महत्वपूर्ण स्तर है, अगर वो स्तर नहीं टूटता है तो हो सकता है हम 9000 को इसी रेंज में ही, 9500 से 9000 की रेंज में ही रहें, लेकिन अगर 9000 का लेवल टूटता है किसी भी दिन तो फिर हमें लगता है कि अच्छी एक नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि 8900 और फिर उसके बाद 8800 तक के लेवल भी हमें देखने को इस वीक में मिल सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू 9000 का लेवल टूटने के बाद ही है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के कंसर्न अभी भी कंटिन्यू है। अभी तक कंफर्म केस जो है, अभी तक 40 लाख से ज्यादा कंफर्म केस हो चुके हैं और 3.1 लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी है। अगर इस वीक की बात करें तो इस वीक में बहुत ही इवेंटफुल वीक था ये। ट्यूजडे 12 मई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आए थे, अप्रैल 2020 के आंकड़े आए थे ईयर ऑन ईयर पे, जिसमें कि 5.84 रहे, जो कि हमारा फोरकास्ट था 5.68, उससे थोड़े से बेटर थे, हालांकि लास्ट ईयर ये 5.91 थे। वेडनेसडे की बात करें तो 13 मई को यूके के GDP के आंकड़े आए थे मार्च क्वार्टर के, जिसमें कि -1.6 देखे गए, हालांकि फोरकास्ट -2.1 था, और जो कि पिछले साल मार्च में ये 1.1% था पॉजिटिव। थर्सडे 14 मई को US जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, जो कि 2.98 मिलियन थे, जिसमें कि लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की फॉर द वीक एंडेड 14 में, जो कि पिछले वीक 3.169 मिलियन थे, जो कि उससे कम है। यानी कि आंकड़ा ये जो जॉब सीकर्स का जो आंकड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो कम होता जा रहा है वैसे अगर वीक दर वीक देखें तो हम। हालांकि अभी तक 36 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किए हैं कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद। उसके अलावा इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स के भी आंकड़े आए थे अप्रैल के, जो कि 0% थे, हालांकि फोरकास्ट 0.3% था, पिछले साल इसको देखें तो अप्रैल में ये 1% था। अब बात करते हैं स्टिमुलस पैकेज की। स्टिमुलस पैकेज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ट्यूजडे शाम को 8 बजे एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज का, जिसको कि डिटेल में हमारी FM निर्मला सीतारमन जी ने अगले दिनों में बताया। तो मैं आपको बताता हूं, वेडनेसडे को निर्मला सीतारमन जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज MSME के लिए अनाउंस किया था, जिसमें कि कोलेक्टर फ्री लोन MSME को, साथ ही सबॉर्डिनेटेड लोन स्ट्रेस्ड MSME को, साथ ही साथ MSME की डेफिनेशन को भी उन्होंने चेंज किया है, साथ ही
ईपीएफ के सपोर्ट भी दिया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को, जो लिमिट थी 12% की उसको 10% कर दिया। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां डिस्कॉम्स हैं उनके लिए भी एक लिक्विडिटी की व्यवस्था की गई 90,000 करोड़ की। साथ ही एक टीडीएस के वेवर की भी 25% का एक टीडीएस के लिए रिलीफ दिया गया कि 25% कम टीडीएस काट सकते हैं। तो ये एक अनाउंसमेंट था वेडनेसडे को। थर्सडे के लिए अगर बात करें तो थर्सडे को लेबर्स के लिए और माइग्रेंट वर्कर के लिए एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट था वन नेशन वन राशन कार्ड। इसके अलावा ईएसआई कवरेज को पूरे पैन इंडिया पर कवरेज कर दिया गया। साथ ही नेशन वाइड वेज फ्लोर अनाउंस किया गया। साथ ही एक स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए अनाउंसमेंट किया गया। और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल फंडिंग नाबार्ड के द्वारा भी की गई। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड और साथ ही साथ फूड बेनिफिट्स टू नॉन एफएसए क्रेडिट कार्ड होल्डर वो भी किया गया। और साथ ही एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो सीएलएसएस स्कीम थी उसको भी अभी कंटिन्यू किया गया है। फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे को फार्मर्स के लिए एक अनाउंसमेंट पैकेज किया गया था अनाउंस आत्मनिर्भर भारत के तहत, जिसमें सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण बदलाव था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव लाना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिससे कि प्राइस डीरेगुलेशन के लिए हम तैयार रहे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात की गई। साथ ही एग्री इंफ्रा फंड और माइक्रो फूड एंटरप्राइज फंड के लिए भी कुछ प्रावधान करने की बात की गई। और साथ ही साथ फिशरीज बी कीपिंग हर्बल स्कीम्स के लिए भी कुछ स्कीम और कुछ फंड के लिए बताया गया था। सैटरडे की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर पैकेज में सैटरडे को कोल मिनरल डिफेंस प्रोडक्शन साथ ही साथ एयरस्पेस मैनेजमेंट साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि हेल्थ एजुकेशन और साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए स्पेस सेक्टर के लिए और एटॉमिक एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ अनाउंसमेंट किए गए थे, जिसमें कि कोल के लिए कमर्शियल माइनिंग को ओपन कर दिया गया। साथ ही मिनरल सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया। साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाया गया ऑटोमेटिक रूट को, जिसको 49% से 74% किया गया। साथ ही इंडियन एयर स्पेस का जो रेस्ट्रिक्शन थी यूटिलाइजेशन पे उसको भी ओपन करने की बात की गई है। और साथ ही साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए यूनियन टेरिटरी में प्राइवेटाइज करने की बात की गई, नई टैरिफ पॉलिसीज की बात की गई। साथ ही साथ स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए बात की गई। साथ ही साथ गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि इंडिया का जो स्टार्टअप सिस्टम है वो न्यूक्लियर सेक्टर में उसका उपयोग किया जाए। अगर संडे की बात करें तो संडे को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने फाइनली लास्ट जो इंस्टॉलमेंट थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 20 लाख करोड़ की उसकी अनाउंसमेंट की, जिसमें कि मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके लिए 40,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया। साथ ही हेल्थ और एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट ने काफी योजनाएं का अनाउंसमेंट किया। साथ ही साथ आईबीसी और बिजनेस को लेके जो इम्पैक्ट है उसके भी प्रावधान कुछ बताए। साथ ही साथ कंपनी एक्ट में डिक्रिमिनलाइजेशन कुछ धाराएं हैं उनको हटाया गया जिससे कि डिक्रिमिनलाइजेशन हो सके। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई। पीएसयू के लिए जैसे कई सारे सेक्टर्स हैं या कुछ नोटिफाइड सेक्टर किए जाएंगे, जिसमें कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, या तो उनका मर्जर किया जाएगा या उनको बेचा जाएगा या जैसे भी मतलब एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग की जाएगी। तो इस तरीके से रिफॉर्म्स की बात की गई। अगले वीक की बात करें तो अगले वीक में ट्यूजडे को 19th मई को यूके के जॉबलेस क्लेम का डाटा आएगा मार्च 2020 का। साथ ही साथ वेडनेसडे को बात करें तो एफएमसी की मीटिंग के मिनट रिलीज होंगे जो अप्रैल 28 और 29 को हुई थी। और साथ ही साथ थर्सडे को 21 मई को यूएस के जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल टैक्स फॉर वेल्थ को देखते रहें, हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपडेट्स मार्केट पर अपडेट्स के लिए और बिजनेस अपडेट्स के लिए हमारे वीकली बाजार को जरूर देखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।